अरब सागर में उठा चक्रवाती तूफान बिपरजॉय तेजी से गुजरात की तरफ बढ़ रहा है। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय पाकिस्तान की तरफ बढ़ता जा रहा है। कराची के तटीय इलाकों पर भी दिखेगा तूफान का असर। हाजिरा वलसाड में पर्यटकों को बीच पर जाने से रोका गया। मछुआरों को भी समुद्र में नहीं जाने की हिदायत। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय का असर केरल और कर्नाटक के कोस्टल इलाकों पर भी दिखेगा। लक्षद्वीप और मालदीव के इलाकों में भी होंगे प्रभावित। बिपरजॉय तूफान की वजह से कोंकण, गोवा और महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में ऊंची लहरें उठने की आशंका। मछुआरों को समुद्र से दूर रहने की सलाह। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय से पहले वलसाड के अरब सागर तट पर उठी ऊंची लहरें, मौसम विभाग ने पहले ही जारी की थी चेतावनी। अगले 24 घंटे में खतरनाक हो सकता है चक्रवात बिपरजॉय। मुंबई में हो रही है रुक रुक कर हल्की बारिश। तमिलनाडु के वेल्लोर में बदला मौसम का मिजाज, तेज हवाओं के साथ हुई भारी बारिश। कुछ जगहों पर गिरे ओले, आम जनजीवन प्रभावित। असम के धेमाजी में तूफान की चपेट में आने से एक शख्स की मौत। तूफान के वक्त सड़क से गुजरने के दौरान पेड़ गिरा। हादसे में एक शख्स घायल, इलाज के लिए पहुंचाया गया अस्पताल। महिला रेसलर्स के समर्थन में आज सोनीपत में सर्व खाप महापंचायत। देशभर के किसान संगठन और महिला संगठनों के प्रतिनिधि भी होंगे शामिल। रेसलर्स के मामले में दिल्ली पुलिस एक्शन में, महिला पहलवान को लेकर पहुंची ब्रजभूषण सिंह के दफ्तर। मौके पर महिला पहलवान से पूछताछ। पुलिस के एक्शन पर बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट ने किया ट्वीट, लिखा कि झूठा प्रचार ही ब्रजभूषण की ताकत है। दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया पर दी सफाई, आरोपों की जांच और जगह की पहचान करने रेसलिंग फेडरेशन के दफ्तर गई थी पुलिस। रिक्रिएशन की बात से दिल्ली पुलिस का इनकार, कहा कि तफ्तीश के लिए महिला पहलवानों को ले गए थे कुश्ती संघ के ऑफिस। घर में पूछताछ के सवाल पर बोले ब्रजभूषण सिंह, मेरे पास कोई नहीं आया, मैं घर में सो रहा था। इंटरनेशनल रेफरी जगवीर सिंह का बड़ा खुलासा, इंडिया टीवी पर बोले लखनऊ ट्रायल में ब्रजभूषण ने लड़की को गलत तरीके से छुआ था। जगबीर सिंह ने 2013 में पुकेट दौरे का भी जिक्र किया, कहा कि शराब के नशे में ब्रजभूषण ने किया था गलत टच। लखनऊ कोर्ट शूटआउट के आरोपी विजय यादव की रिमांड मांगेगी पुलिस, अदालत में आज दाखिल करेगी एप्लीकेशन। गैंगस्टर संजीव जीवा मर्डर के आरोपी विजय यादव से पूछताछ में हुए कई बड़े खुलासे, नेपाल में रची गई थी हत्या की साजिश। सूत्रों के मुताबिक विजय ने बताया वर्चस्व की लड़ाई में हुई संजीव जीवा की हत्या। लखनऊ जेल में संजीव की एक मुस्लिम कैदी से हुई थी लड़ाई। विजय यादव ने बताया कि संजीव की हत्या की डील काठमांडू में हुई थी। 20 लाख रुपए का था ऑफर, एडवांस में मिले थे 5,000 रुपए। लखनऊ कोर्ट में गैंगस्टर संजीव जीवा की हत्या के मामले में यूपी पुलिस एक्शन में, कोर्ट में हत्या का सीन रिक्रिएट किया गया। पुलिस एक शख्स को ठीक वैसे ही कोर्ट में लेकर आई जैसे जीवा को जेल से लाया गया था, फिर डमी पर पूरी घटना को रिक्रिएट किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज गुजरात दौरा, सुबह 11 बजे पाटन में मोदी सरकार के 9 साल की उपलब्धियों पर करेंगे जनसभा। अमित शाह आज शाम को नांदेड़ में एक जनसभा को संबोधित करेंगे, मोदी सरकार की 9 साल की उपलब्धियों से जनता को रूबरू कराएंगे। गृह मंत्री सचखंड श्री हजूर साहेब गुरुद्वारे में मत्था टेकेंगे। जनसभा में औरंगजेब के मुद्दे पर विपक्ष को दे सकते हैं जवाब। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने नाथूराम गोडसे को बताया भारत का सपूत। गिरिराज सिंह ने कहा कि जो खुद को बाबर की संतान कहने से खुश होते हैं वो भारत माता के सपूत नहीं हो सकते। कोल्हापुर हिंसा के पीछे सीएम एकनाथ शिंदे ने जताई साजिश की आशंका, कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सरकार को बदनाम करने की कोशिश। सीएम शिंदे ने लगाया आरोप, औरंगजेब और टीपू के पोस्टर और नारेबाजी के जरिए साजिश को दिया जा रहा है अंजाम। भड़की हिंसा का पता लगाने के लिए कोल्हापुर पुलिस ने आईबी की मदद ले रही है। आपत्तिजनक वीडियो फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। मुंबई, ठाणे, रायगढ़ और पालघर के 18 मंदिरों में ड्रेस कोड लागू किया गया। महाराष्ट्र के 114 मंदिरों में अब तक ड्रेस कोड लागू। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र शास्त्री ने अपने नाम पर साजिश की जताई है आशंका। बाबा बागेश्वर का आरोप, धर्मांतरण करवाने वाले अब उनका नाम कर रहे हैं बदनाम। बाबा बागेश्वर ने चेतावनी दी, उनके नाम का गलत इस्तेमाल करने वालों को सजा जरूर मिलेगी। मंदसौर में हनुमत कथा के तीसरे और आखिरी दिन बाबा बागेश्वर ने फिर भरी हिंदू राष्ट्र की हुंकार। यूपी के हापुड़ में एक मंदिर में नमाज पढ़ने का मामला सामने आया, पुलिस ने अनवर नाम के शख्स को गिरफ्तार किया। हापुड़ के चंडी मंदिर में शुक्रवार की सुबह 5:45 बजे पढ़ी गई नमाज, पूरी घटना मंदिर की सीसीटीवी में कैद हुई। मंदिर प्रशासन के मुताबिक माहौल बिगाड़ने की नीयत से अनवर ने मंदिर में नमाज पढ़ी। मंदिर में नमाज घटना के बाद सामने आने पर हिंदू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस आरोपी अनवर से कर रही है पूछताछ, फिलहाल किसी भी आपराधिक साजिश का अभी तक सुराग नहीं मिला है। कांग्रेस संगठन में फेरबदल, दीपक बवरिया हरियाणा और दिल्ली के प्रभारी नियुक्त किए गए। हर्षा गायकवाड़ को बनाया गया मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष, भाई जगताप को पद से हटाया, 4 बार विधायक रह चुके वर्षा गायकवाड़। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के 4वें दिन भारत को करनी होगी अच्छी गेंदबाजी, ऑस्ट्रेलिया को दूसरी पारी में जल्दी आउट करने की चुनौती। ऑस्ट्रेलिया ने तीसरे दिन स्टंप्स तक 4 विकेट खोकर 123 रन बनाए हैं। ग्रीन और लॉबुशन क्रीज पर मौजूद हैं। वर्ल्ड टेस्ट के तीसरे दिन भारत को रहाणे और शार्दुल ने फॉलोअन से बचाया, पहली पारी में भारत ने 296 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया को तीसरे दिन कुल 296 रनों की बढ़त मिली, पहली पारी में ऑस्ट्रेलिया को मिली 173 रन की लीड। भारत की तरफ से रविंद्र जडेजा ने 2 विकेट झटके, उमेश यादव और मोहम्मद सिराज को 1-1 विकेट मिला है।
इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।